राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। हमारी समस्या ये है कि जैसे कहीं भी जाते हैं हर कोई दान के लिए बोलते हैं, तो जब अपने को कोई इच्छा ही नहीं होती, दिया उसका हुआ है, लिया लाली जी ने सब कुछ किया है, हर कोई दान बोलता है, जो हमें आगे जाना ही नहीं, इस लाइन में पाना ही नहीं है, आगे ठाकुर जी की लाइन में जाना है, ठाकुर जी के पास ही जाना है, तो लेने की इच्छा ही नहीं है, तो हर कोई दान मांगता है, तो उससे थोड़ा सा अंदर से ऐसे फील होता है कि ये दान के लिए बार बार में क्यों बोला जाता है हमारे को। ठीक है, बहुत अच्छा। चलो देखो, ब्राह्मणों की वृत्ति भिक्षा है, क्षत्रियों की वृत्ति रक्षा करना है देश की, समाज की, वैश्य की वृत्ति, वैश्यों की वृत्ति क्या है, कमाना, व्यापार, खेती बाड़ी, गौरक्षण। शूद्र की वृत्ति क्या है, सेवा। सेवा तो सभी कर रहे हैं, एक दूसरे के काम आना ही तो सेवा है। सेवा तो वैश्य भी कर रहे हैं, सेवा तो क्षत्रिय भी कर रहे हैं, बस प्रकार अलग अलग है, हैं सारे सेवक, सब कर रहे हैं। तो ब्राह्मणों की वृत्ति क्या है, वह कमाना नहीं, ध्यान करना, ज्ञान अर्जन करना और लोगों को ज्ञान बांटना। कमाने में ब्राह्मण रहेगा तो कहां से ग्रंथ पढ़ेगा, आप तक कैसे बातें पहुंचेगी। अब देखो, यदि मैं नौकरी करता तो जो ज्ञान की बातें आपको बता रहा बता पाता, यदि मैं कमाने लग जाता तो मैंने क्या किया, सब व्यापार बिजनेस छोड़ दिए, और कौन सा व्यापार कौन सा बिजनेस, ग्रंथों को पढ़ना, ज्ञान इकट्ठा करना, क्योंकि आप लोग सब कुछ नहीं जानते, क्यों आपको प्रश्न करने पड़ रहे हैं। हो सकता है प्रश्न करने वाला एमए पीएचडी हो और मैं केवल मैट्रिक के पास उत्तर मैं दे रहा हूं, क्यों, क्योंकि यहां मैंने पीएचडी कर रखी है। यदि मैंने पीएचडी ग्रंथों पे ना की होती, आपके प्रश्नों का उत्तर मैं आपके किसी काम का नहीं था, लेकिन फिर मेरा गुजारा कैसे चलेगा, सारा समय तो मैंने कमाई छोड़ करके पढ़ाई में लगाया और अब भी पढ़ रहा हूं, तो मेरा गुजारा कैसे चलेगा, भिक्षा मांग के। संत और ब्राह्मण इन दोनों का भिक्षा मांगने का अधिकार भगवान ने दिया, और इन दोनों को कहा कमाना नहीं, नौकरी धंधा व्यापार बिजनेस कुछ नहीं करना, सारा समय लगाना है ज्ञान अर्जन में, तपस्या में, साधना में, और लोगों को गाइड भी करना, ये काम है आप लोगों का। फिर गुजारा कैसे चलेगा, भीख मांग लो, मेरे नाम पर भिक्षा मांग लो, कोई दोष नहीं, क्योंकि तुम अगर कमाने लग जाओगे, भिक्षा नहीं मांगोगे कमाने लग जाओगे, तो फिर ज्ञान समाज के पास कहां से आएगा, कौन पढ़ेगा इतने बड़े बड़े पोथों को, उनको तो बच्चे पालने से, खाने कमाने से फुर्सत नहीं, तो ज्ञान वहां तक कैसे पहुंचेगा, स्वयं वो पढ़ेंगे नहीं ग्रंथों को, तो तुम पढ़ के उनको सुनाओ, ये ड्यूटी है। और अहंकारी नहीं बनना, क्योंकि सबसे बड़े संत और ब्राह्मण सबसे बड़े, तो इनको अहंकार भी ना आए, इसलिए इनको भिखारी बनाया भगवान ने दोनों को, जो अहंकार ना है, क्योंकि सारे सबके गुरु है ना, ये तीनों वर्णों के गुरु हैं, तो बड़े सब इनको प्रणाम करेंगे, तो इनको अहंकार ना जाए, इसलिए भगवान ने कहा तुम्हारी वृत्ति ये है, ये दूसरा कारण है भिक्षा मांगने का, मांगने ही चाहिए ब्राह्मणों, ब्राह्मण क्या है, वो संत क्या है जो भिक्षा ना मांगे। हमारे यहां तो सबसे पहले भिक्षा ही सिखाई जाती है कि भिक्षा मांग के खाओ, और जब संन्यास लेते हैं ना उस समय झोली दी जाती है गुरु जी, कहते भिक्षा मांग के लाओ, स्वयं भी खाओ और हमको भी खिलाओ। तो संत और ब्राह्मण, ब्राह्मण का धन केवल भिक्षा। अब आप कहेंगे कि जो जिसकी श्रद्धा वो दे, मांगते हो क्या बिना मांगे, तो उत्तर है बिना दबाए थन से दूध नहीं निकलता, बिना दबाए नींबू से रस नहीं निकलता, तो जब तक मांगो नहीं तब तक कोई देने को तैयार नहीं। अच्छा देखिए, कोरोना आया, हम ना बाहर गए ना किसी से मतलब रखा, हम यहाँ पर 2 साल कोरोना में कैसे काटे, ना हमने किसी से कहा, तो बिना कहे किसने दिया भी नहीं। तो ब्राह्मण को मांगना किसने सिखाया, जो बिना मांगे नहीं देते तो नालायक कौन हुआ, फिर गलत कौन हुआ। ब्राह्मण यदि भिक्षा मांग रहा गलत कौन हुआ, ब्राह्मण के घर जाके था कि आटा सीधा घर दे आओ, जब ब्राह्मण के घर में हम भोजन नहीं पहुंचाएंगे तो ब्राह्मण तो हमारे द्वार पर भिक्षा मांगने आएगा, और संत भी, संत के पास पहुंचाओ नहीं तो संत घर घर में डोलेगा भोजन के लिए, 7 घर से भिक्षा मांगेगा। तो संत और ब्राह्मण को क्यों मांगना पड़ रहा है, क्योंकि बिना मांगे कोई देता नहीं, तो उनको मांगना किसने सिखाया, हमने आपने सिखाया।